नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्यनी शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरताज सिंह के निधन के बाद दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। टिकट की आस में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दावेदार दलबल के साथ पहुंचे। उनमें जो है वर्तमान विधायक प्रेम शंकर वर्मा और योगेंद्र सिंह मंडलोई शामिल है। दोनों नेता टिकट की मांग को लेकर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी होने के बाद नेताओं में विरोध के स्वर उभर रहे हैं। इसी कड़ी में मऊगंज प्रत्याशी के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी की गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे और प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक रहते कोई काम नहीं किया, विधायक पर सनातन विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि प्रत्याशी नहीं बदला तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी ने जो है वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल को यहां से प्रत्याशी बनाया है। सत्ताधारी बीजेपी में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। दावेदार खुलकर सामने आ गए हैं। टिकट की दावेदारी और टिकट बदलने की मांग को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। प्रदेश के नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा, मऊगंज विधानसभा से विरोध के स्वर उठे हैं। विधायक के समर्थन और विरोधी भी जो है बीजेपी प्रदेश दफ्तर पहुंचे हैं। नर्मदापुरम सीट से भी टिकट बदलने की मांग उठी है। वही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हाथ में तख्तियां लेकर कार्यकर्ता बैठे हैं, मौन धारण कर कार्यकर्ता बैठे हैं। कार्यकर्ता बोले, मुंह से नहीं करेंगे, लिखा देखकर समझ जाओ। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।